नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार बस आने ही वाला है और यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहनों के लिए बेहद ही खास होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाने वाला है? क्या आप यह जानते हैं कि 2022 की तरह ही 2023 में भी रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा का योग बनने वाला है? तो आखिर क्या होती है यह भद्रा, और आखिर इस भद्रा में राखी बांधने की वजह से कौन कौन से नुकसान होते हैं, और इस साल राखी बांधने की सही तारीख, सही मुहूर्त और पूजा करने की विधि क्या है? दोस्तों, हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि जिस समय रक्षाबंधन में भद्रा का योग होता है, उस समय सभी बहनों को बहुत ही सचेत रहना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना आपके भाई के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं रहता। ऐसे में गुरुजी ने रक्षाबंधन से जुड़ी हुई सभी जानकारियां अपने भक्तों को दी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने अपने भक्तों को रक्षाबंधन के दिन 5 रुपए की एक खास चीज बाजार से लाने के लिए कहा, जिसे लाने के बाद आपके घर में और आपके भाई के घर में धन दौलत के भंडार और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनाया जा सकते हैं। तो अगर आप भी रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं और इस रक्षाबंधन को और ज्यादा शुभ बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका, जय सीताराम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण के महीने की पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसा धर्म होगा जिस धर्म के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग भाई बहन इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस त्योहार वाले दिन बहनें अपने भाइयों के लिए उनकी कलाई पर रंगीन राखियां बांधती है और भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन बीते कई सालों से हिंदुस्तान के सभी त्योहारों के साथ रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में भी कई मतभेद बताए जाते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के त्योहार में भद्रा का योग है, तो हमारे गुरु जी का कहना है कि भद्रा काल में भूल कर भी बहनों को अपने भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए, वरना इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में गुरु जी ने रक्षाबंधन से जुड़े हुए सभी शुभ मुहूर्त के बारे में अपने भक्तों को बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल भद्रा के साए की वजह से लोग जानना चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार हो 30 तारीख को मनाए या 31 तारीख को, लेकिन ऐसे में गुरुजी का कहना है कि हिंदू पंचांग के हिसाब से इस बार सावन मास की पूर्णिमा 30 अगस्त 2023 को सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी और 31 अगस्त 2007:05 पर इस तिथि का समापन होगा। लेकिन गुरुजी का कहना है कि इस दिन पूर्णिमा तिथि शुरू होने के साथ ही भद्रा का आरंभ भी हो जाएगा। ऐसे में भद्रा काल का समय रात को 9:02 तक रहेगा और पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि ऐसे तो राखी दोपहर में बांधनी चाहिए, लेकिन अगर दोपहर में भद्रा का समय है तो प्रदोष काल में राखी बांधनी चाहिए, लेकिन 30 अगस्त वाले दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए आप चाहे तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक राखी बांध सकते हैं। अब आपको बता दें, गुरुजी का कहना है कि भद्रा सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है। जिस समय भद्रा धरती पर होती है, उस समय कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, अन्यथा उनके विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ऐसे में गुरुजी का कहना है कि अगर बहनें अपने भाइयों का भला चाहती हैं और उनके ऊपर कोई भी संकट नहीं आने देना चाहती, तो भूलकर भी भद्रा काल में अपने भाइयों को राखी ना बांधे। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को भाइयों को राखी बांधते समय कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए, जैसे कि अगर आप अपने भाई के लिए राखी लेकर जा रही हैं, तो ध्यान रखें कि काले रंग की राखी बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप काले रंग की राखी लेकर जाती हैं या फिर खुद काले रंग के कपड़े पहनकर रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई को राखी बांधने जाती है, तो ऐसा करने से इस नकारात्मकता का प्रभाव आपके भाई के जीवन पर पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि आप रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी चीज में काले रंग का इस्तेमाल न करें। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है
कि आजकल देखा गया है कि बहनें रक्षाबंधन वाले दिन भाइयों के लिए मिठाई की जगह और सभी चीजें ले जाती हैं। आज के जमाने में मिठाई खाना कोई पसंद नहीं करता, इसलिए त्योहार वाले दिन मिठाई ले जाने का चलन भी बंद होता जा रहा है। लेकिन गुरु जी का कहना है कि त्योहार वाले दिन अगर बहनें अपने भाइयों के लिए मिठाई लेकर जाती हैं, तो ऐसा करने से न केवल आपके भाइयों की जिंदगी में मिठास घुलने लग जाती है, बल्कि आपके और आपके भाई के बीच का प्रेम भी बढ़ता है। ऐसे में कोशिश करें कि रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के लिए कुछ मीठा जरूर लेकर जाएं। ऐसा करने से आपके बीच का प्रेम बढ़ेगा और आपके भाई की रक्षा भी होगी। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि महिलाओं को रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाइयों की नज़र भी जरूर उतारनी चाहिए। कहा जाता है कि जो बहन राखी वाले दिन अपने भाई की नज़र उतार देती है, उस भाई की सारी बलाएं बहन की नज़र उतरने के साथ उतार कर बाहर फेंक देती है। बहनें भाइयों की नज़र उतारने के लिए गुरु जी का बताया वह खास उपाय भी कर सकती हैं। गुरु जी का कहना है कि आप 7 लाल मिर्च लीजिए, साथ ही में थोड़ी सी आटे की भूसी, थोड़ी सी काले रंग की राई, थोड़ा सा नमक लेकर अपने भाई के ऊपर से कम 21 बार उतारा कर लीजिए। उसके बाद आप एक दीपक में थोड़ा सा कपूर जलाइए, उस कपूर में यह उतारा करा हुआ सामान जलाकर घर के बाहर रख दीजिए। जो बहनें रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई की नज़र इस तरीके से उतार देती हैं, उनके भाई को जीवन भर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन 5 रुपए की खास चीज जरूर खरीदनी चाहिए। तो कहा जाता है कि रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप अपने भाई के लिए राखी के साथ मौली धागा भी लेकर जाती है और इस मौली धागा को 7 बार या 11 बार अपने भाई की कलाई पर बांध देती है, तो ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर आने वाली सभी मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाती है और किसी भी मुसीबत से बचने का रक्षा सूत्र भी आपके भाई की कलाई पर बांधा जाता है। तो इस बार अगर बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेकर जा रही है, तो साथ में कलावा मौली धागा जरूर लेकर जाएं। इसी के साथ गुरुजी ने 5 रुपए की एक और चीज अपने घर में लाने के लिए कहा। गुरुजी का कहना है कि पौराणिक मान्यताएं हैं कि रक्षाबंधन वाले दिन सभी घरों में दीवारों पर सोना सोनी काढ़े जाते हैं। यह सोना सोनी कुछ और नहीं होते, गेरू से बनी हुई एक खास आकृति होती है। इस आकृति में घर की महिलाएं घेवर, स्वास्तिक, ओम या फिर शौर्ती की तस्वीर बना देती है। उसके बाद इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चिपकाया जाता है और रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधने से पहले इन्हीं सोना सोनी की पूजा की जाती है। तो सोना सोनी की पूजा करने के लिए एक विशेष तरह की राखी आती है जो पीले रंग के धागे होते हैं, इनमें गुलाबी रंग की कपास लगी होती है। तो गुरुजी का कहना है कि अगर आप रक्षाबंधन वाले दिन घर में सोना सोनी बनाकर कपास लगे हुए ये पीले धागे वाली कपास की राखी ले आती है और घेवर के साथ चिपका कर इन्हें सोना सोनी पर लगा देती है, तो ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाती है। आपके घर के लोगों के तरक्की के दरवाजे खुलने लगते हैं और आप अपने जीवन में लगातार तरक्की करते रहते हैं। गुरुजी का कहना है कि घर के मुख्य दरवाजे पर पाठ वाली राखी अगर चिपका दी जाती है, तो इससे आपके घर में धन दौलत की बाढ़ तो आ ही जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और नारायण के साथ साक्षात आपके घर में विराजमान रहती हैं। दोस्तों, यह थे गुरुजी के बताए हुए कुछ खास उपाय जो उन्होंने रक्षाबंधन वाले दिन सभी बहनों को अपनाने के लिए कहा है। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखे। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहन देता है और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम जी।